अगला सवाल हमारे पास झांसी से है, आरके सक्सेना फोन लाइन पे हैं। सक्सेना जी बताइए क्या सवाल है। सक्सेना जी सुन पा रहे हैं आप हमें, क्या सवाल है आपका? हाँ सुन पा रहे हैं जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं। मेरा सवाल ये था कि हमारे पास 200 शेयर मोरकन लेट के हैं जी। हाँ जी सुन पा रहे हैं। 200 शेयर मोरकन लेट के हैं और 500 शेयर मार्केशन फार्मा के हैं जी। मोरकन आपने 92 रुपए में खरीदा है सक्सेना जी, आपकी आवाज बीच में थोड़ी रुक गई। आपकी जो खरीदारी है मोरपिन की, वो किस भाव पर है? मोरपिन की खरीदारी हमारी 92 रुपीज में है, बहुत पुरानी खरीदारी है जी। जी ओके। मार्केट की 21 रुपीज की जी, क्योंकि निकट भविष्य में हाल फिलहाल में 92 रुपीज का इसका भाव तो वैसे नजर नहीं आ रहा है। आपने शायद सालों पहले 2000 के आसपास या उसके बाद के 2002-03 के आसपास कभी खरीदा होगा, शायद 2001 के आसपास संभवतः। बहरहाल अब इस शेयर में जितना समय इन्होंने दिया है और अभी भी ये नुकसान में है, इसके आगे कुछ कहने की कहानी बचती नहीं है ब्रजेश, लेकिन सलाह क्या होगी इनके लिए आपकी? देखिए पहली सलाह तो यही रहेगी मेरे जो भी श्रोतागण हमारे शो को सुन रहे हैं कि स्टॉप लॉस लगा के जरूर चलें। कोई भी शेयर, कोई भी अगर आपको रिकमेंडेशन आती है किसी भी एनालिस्ट के थ्रू, या अगर आप खुद भी अगर आप ट्रेड करते हैं, तो डेफिनेटली यही आप मान के चलें कि आप रिस्क एपिटाइट लेके जो चल रहे हैं उसमें एक स्टॉप लॉस जरूर बना के चलें। प्रॉफिट को तो हम बाद में कैप्चर करेंगे, पहले आप रिस्क देखिए कि आप रिस्क कितना ले सकते हैं। नो डाउट कि इन्होंने टाइम होराइजन के हिसाब से लगभग एक 10 से 12 साल पहले का ये शेयर लिया हुआ है 92 के आसपास में। इस समय लगभग 20-22 के आसपास का एक अच्छा एक सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक नहीं करता है तो मेरी सलाह तो यही रहेगी कि उसका एक स्टॉप लॉस बनाए, और कोई अगर राइज आता है तो डेफिनेटली उसमें से निकल जाए रादर देन होल्डिंग दिस काउंटर, क्योंकि इतना चार्ट वाइज कोई इतना स्ट्रॉन्ग इसमें अप ट्रेंड दिखाता नहीं है। 32-33 के आसपास का तक जाने के चार्ट के अनुसार चांसेस दिखते हैं, तो वहां पर अपना ये लॉस बुक करें और एक बार इसमें से लॉस बुक करके ये निकल जाए जी। बिल्कुल। और अगला सवाल हमारे पास है जालना से हरीश का। हरीश हमारे साथ हैं फोन लाइन पे, बताइए हरीश क्या सवाल है। जी मेरा नाम हरीश सिरसाठ है, जालना से बात कर रहा हूँ। जी, जी, मेरे पास टाटा मोटर के 100 शेयर है, 266 के भाव से लिए हुए है जी। ये कब खरीदा आपने? टाइम होराइजन लगभग दो साल का है। कब खरीदा आपने? इसी महीने खरीदा है। चलो इसी महीने। चलिए सबसे पहले तो आपको बधाई। अक्सर हम लोग ब्रजेश अपने कार्यक्रम में बात करते हैं कि खुदरा निवेशक टॉप पे खरीदते हैं बॉटम पे बेचते हैं, इनके लिए बधाई कि इन्होंने बिल्कुल अभी जो हाल का बॉटम है वहाँ पे खरीदारी की है, और इसी वजह से एक टाटा मोटर्स में जिसमें लगातार डाउन ट्रेंड रहा है उसमें भी ये ठीक ठाक फायदे में समय नज़र में आ रहे हैं। लेकिन आगे के लिए सावधानी क्या रखें ये जिससे इनका जो फायदा है वो कहीं हाथ से फिसल ना जाए? देखिए अगर मैं क्योंकि इनका होराइजन जो इनने बताया होल्डिंग पीरियड लगभग 2-3 साल का है, अगर इसका मंथली चार्ट देखेंगे तो लगभग अराउंड 600-610 के आसपास से जो बिकवाली आई थी वो लगभग नीचे में 265 के आसपास गया है, और उसी लेवल के आसपास में डिप के आसपास में लिया, एक बहुत अच्छा लेवल पे इनने बाइंग की है। तो पहली सलाह तो इनके लिए यही रहेगी कि क्योंकि उसी का स्टॉप लॉस जरूर बना के चलें। इनकेस अगर ऑन क्लोजिंग बेसिस 265 अगर निकल जाता है तो प्रोबेबिलिटी है नेक्स्ट लेवल वुड बी समवेयर अराउंड 210-220 ऑड लेवल। अपसेट की मैं बात करता हूं तो लगभग इमीडिएट बेसिस पे आपको 370 के आसपास में एक रेजिस्टेंस जोन मिलेगा, तो चाहे तो वहां पर थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुक करें। अगर वो हम उस लेवल को अगर हम क्रॉस कर गए तो नेक्स्ट लेवल वुड बी समवेयर अराउंड 452-470 ऑड लेवल, तो वहाँ पर ही अपना फुल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 2-3 साल के लिहाज से आपको वो लेवल डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा, क्योंकि एक अच्छा एक एक्यूमुलेशन हो रहा है इस लेवल पे 290-300 के बीच में, और मुझे नहीं लगता कि शायद 265 ब्रेक करना चाहिए, क्योंकि एक डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो आप उसी का स्टॉप लॉस बना के चलें,